हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं बनाती हूँ ट्विन फ्लेम्स रिलेटेड कंटेंट। यहाँ पर मैं जो कोई भी कंटेंट शेयर करती हूँ वो सारा का सारा डिवाइन के चैनलिंग्स के थ्रू, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से और डिवाइन के गाइडेंस के अंडर शेयर करती हूँ। सो गाइस, काफ़ी लोग जो है सेपरेशन पीरियड में ये सोचते हैं कि क्या उन्हें अपने डीएम को कॉल या मैसेज करना चाहिए, ये सही रहेगा उनकी जर्नी के लिए या नहीं। इस तरह के क्वेश्चंस जो है काफ़ी डीएम्स को होते हैं, क्योंकि वो सेपरेशन के टाइम पर मोस्टली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रहते हैं या फिर बहुत ही रेयरली उनके डीएम जो है उन्हें कॉल मैसेज करते हैं। तो चलिए आज हम इस पॉडकास्ट में इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, सेपरेशन पीरियड में जब भी डीएम आते हैं तो मोस्टली वो आपका कोई ना कोई इशू दिखाकर आपको ट्रिगर करके ही चले जाते हैं। तो फिर अगर आपकी जर्नी में बहुत अच्छे से इनर वर्क अभी तक आपने नहीं किया है तो थोड़ा भी उनका ट्रिगर करने से आप जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हो और फिर आप जो है कुछ भी उन्हें बोल देते हो या फिर आप दोनों के बीच में जो है लड़ाई हो जाती है, आपको उन पर जो है काफ़ी ज़्यादा भड़ास निकालने का मन करता है। तो अगर आपकी सिचुएशन इस वक्त ऐसी है कि आप बैलेंस नहीं रह पा रहे हो या फिर आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हो कि आपके डीएम जो कुछ भी बोले आपको उसे सिर्फ एक ट्रिगर समझ के हील करना है, उनकी बातें जो है आपके दिल पे नहीं लेनी है और उसे लेट गो करके उन इश्यूज़ को जो है हील करना है, तो फिर आपके लिए उनको कॉल मैसेज करना जो है प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। यानी कि जब आप बैलेंस नहीं होंगे, आप ऑलरेडी जो है लो इमोशंस में रहेंगे, फिर आपके डीएम आएंगे, वो आपको ट्रिगर करेंगे और उससे भी ज़्यादा वो आपको लो वाइब्रेशंस में ले जाएंगे, आपको गुस्सा दिलाएंगे, आपको रोने का मन करेगा, आपकी क्राइंग वगैरह होगी। और इससे और एक चीज़ भी हो सकती है, जैसे कि आपका इनर वर्क करने का फिर मन नहीं करेगा, आपको लगेगा कि सारा काम मैं ही कर रही हूँ, ये पर्सन जो है बिल्कुल चेंज नहीं होते हैं, सुधरते नहीं है और मेरी जर्नी में कुछ इसका इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है, और इस तरह से आप उन्हें जो है कर्ज करने लग जाते हो, ब्लेम करने लग जाते हो। तो फिर अगर आप बैलेंस नहीं हो तो आपको जो है उन्हें ज़्यादातर कॉल मैसेज नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपके डीएम बहुत ही टाइम तक सेपरेशन पीरियड में रहे, जैसे कि 10-15 दिन हो गए हैं, उनका कोई कॉल नहीं आया है, मैसेज नहीं आया है, 1 मंथ हो चुका है, फिर भी उनकी तरफ से उन्होंने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश नहीं की है, तो आप जो है थोड़ा बहुत उन्हें कॉल मैसेज जो है कर सकते हैं। लेकिन आपको ऐसा करने पर जो है इम्बैलेंस जो है नहीं होना है, हर वक्त कोशिश करें कि बैलेंस में रहे, फिर चाहे आपके डीएम आपके कॉल का रिप्लाई दे या ना दे, और अगर आपके मैसेज का रिप्लाई दे या ना दे, फिर भी आपको जो है बैलेंस रहना है, आपको इस बात को लेट गो करना है। अगर वो उठाते हैं कॉल, अगर वो मैसेज का रिप्लाई देते हैं, तो भी आपको उनके साथ जो है एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन ही मेंटेन करने की कोशिश करनी है और ज़्यादा भी बहुत ज़्यादा उनकी केयर नहीं करनी है, एकदम नॉर्मल बातें उनके साथ करनी है ताकि आपका एक कम्युनिकेशन बना रहे और जो कोई भी ब्लॉकेजेस वो आपको दिखाना चाहते हैं वो दिखा सके और आप उन्हें हील कर सके। तो इस तरह से गाइस, अगर आप बैलेंस में हो तो डेफिनेटली आपको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपके डीएम आपको क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं। लेकिन अगर आप नई जर्नी में एंटर हो तो फिर डेफिनेटली ये चीज़ें जो है उनका रूड बिहेवियर या उनका रिप्लाई ना करना, उनका कुछ गलत के चले जाना, आपको ब्लेम करके चले जाना, आपको डेफिनेटली ट्रिगर कर सकता है। तो मेक श्योर कीजिए कि आप जो है इस तरह से इम्बैलेंस ना हो, हमेशा बैलेंस में रहे, इस कम्युनिकेशन को जो कुछ भी चीज़ें आपके साथ हो रही है उसे एक तरह से पॉजिटिवली ले, क्योंकि जितना ज़्यादा वो आपसे बात करेंगे, आपके ब्लॉकेजेस वो आपको दिखाएंगे, आपको ट्रिगर करेंगे, उतने ही जल्दी आप उन्हें हील कर पाओगे, आपके ब्लॉकेजेस को रियलाइज़ कर पाओगे और आपकी जर्नी में जो है बहुत जल्दी आगे बढ़ पाओगे। तो ये भी वैसे भी एक पॉजिटिव ही साइन होता है अगर आपके डीएम आपको कहीं जगह पर ट्रिगर करके चले जाते हैं। सो चलिए गाइस, आई होप कि आपको ये बात अब समझ में आ गई हो। सो इसी के साथ मैं ये पॉडकास्ट एंड करती हूँ। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, और साथ ही साथ आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें। सो चलिए गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में।